जिस टाइम आप रेज मेरे फेस पे जो लाइट देख रहे हो वो डायरेक्ट सन की लाइट आ रही है, और गाइस बहुत ज़्यादा प्यार लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और गाइस आज बहुत टाइम के बाद हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजन हम ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहे थे, बट आज हम शूट कर रहे हैं और अब कोशिश करेंगे कि आगे आगे रेगुलर रहे सारी चीज़ें। और आप देख सकते हैं हमेशा से आज लोकेशन बहुत चेंज है, और आगे आपको धीरे धीरे बताएंगे क्या सब कुछ है। तो गाइज आप सबने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि हमारा ब्लॉग आज किस पर्पज़ पे है, बट फिर भी मैं आपकी बार बताता हूँ। गाइज आज का हमारा ब्लॉग है सोलन टू शिमला, हमारा टॉय ट्रेन सफ़र कैसा है, ठीक है गाइज, और क्या प्राइसेस रहते हैं, क्या टाइमिंग्स रहते हैं, हम आपको धीरे धीरे करके सब कुछ बताएंगे। जो इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ है वो भी आपको सब कुछ दिखाएंगे, एग्जैक्टली क्या सब कुछ कैसे है सफ़र में, आपको कैसे मतलब फील होता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है। मैं गाइज आज से 8 साल पहले बैठा था, वो भी सिर्फ 5 मिनट के सफ़र में, बट गाइज आज मैं फर्स्ट टाइम सोलन टू शिमला ट्रेन में जा रहा हूँ। बाकी आप सबसे आगे शेयर होते रहेगा कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बाकी देखते गाइज आगे चलते हैं। और अभी हमने टिकट लेनी है, बाकी हमने पता करा था टिकट का बहुत चीपेस्ट प्राइस है, बस हम एक बार ले लेते हैं फिर आपको हर चीज़ शो करेंगे। गाइस फाइनली वी आर इन ट्रेन, और डायरेक्ट ट्रेन में क्यों आए वो आपको भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मीट माय फ्रेंड। हेलो गाइस, दिस इज जतिन भारद्वाज, और आज हम आपके लिए एक व्लॉग लेके आए हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे सोलन से शिमला सिर्फ 30 रुपये में, जी हाँ गाइस सिर्फ 30 रुपये में आप जा सकते हैं। जो टिकट प्राइस है पर पर्सन 30 रुपीज़ है सिर्फ टिकट प्राइस, बाकी गाइस जो और चीज़ें वो भी बहुत ज़्यादा चीप है, मतलब आपका सफ़र जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हम भी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते लोएस्ट प्राइस में, पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है गाइस। आप व्यू देखो पीछे, व्यू देखो गाइस। सो गाइज आप सबने देखा व्यूज़ कितने प्यारे हैं, और इस टाइम आप रेज मेरे फेस पे जो लाइट देख रहे हो वो डायरेक्ट सन की लाइट आ रही है, और गाइज बहुत ज़्यादा प्यार लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बताते रहेंगे और आपको हर चीज़ दिखाते रहेंगे धीरे धीरे करके। मैंने एक बाहर की व्यू की एक वीडियो बना रहा था, बहुत प्यारी वीडियो, तो यार मेरा फ़ोन ना गिरते गिरते बच गया हाथ से, और भैया ने मेरे को उस चीज़ के लिए बताया कि जैसे कभी हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारी आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी कि जैसे लोग बाहर निकाल के वीडियो बनाते हैं कैमरा, तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब ऐसे काम करते हैं वो फ़ोन को छीन भी लेते हैं, और क्या बोलते हैं आप जैसे हम बाहर बनाते हैं झाड़ियाँ वगैरह बहुत होती हैं यहाँ पे, पेड़ वगैरह होते हैं, तो अगर उसमें बच जाए तो फ़ोन को गिरने के पूरे चांसेस है फ़ोन कैमरा, और आपको भी केयरफुल रहना चाहिए, आपको ही ना चोट लग जाए, बाकी बी केयरफुल। और मैं तो अभी होते होते बचाऊँ अभी। गाइस हम एक बात और बताते हैं आपको, जैसे हम अगर ट्रेन का सफ़र करते हैं तो हमारे को हर 5-10 मिनट वजह से एक भैया ने बताया टनल आती है, और रेलवे स्टेशन भी बहुत आते हैं बीच में, अब जैसे दो रेलवे स्टेशन चले गए और आते आते भी 3-4 और आएंगे। और गाइस व्यूज़ आप देख रहे हो बहुत प्यारा है, और रेलवे स्टेशन पर मॉर्निंग टाइम है तो रश इतना है नहीं है। तो गाइस जैसे कि हमने सवेरे का टाइम चूज़ किया था जाने के लिए, आई थिंक इट्स बेस्ट टाइम फॉर ट्रैवल इन ट्रेन, बट आप किसी भी टाइम आ सकते हो। और जैसे अब आने वाले टाइम में स्नोफॉल्स होगी, विंटर सीजन ज़्यादा हो रहे हैं स्नोफॉल्स के लिए, तो गाइस आप लोगों को पहले ही अपनी बुकिंग्स वगैरह रिजर्व वगैरह करवा के रखनी पड़ती है। बाकी वैसे पैसेंजर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत उन दिनों बहुत ज़्यादा वो होता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए, तो आप अपना पहले से ही हर चीज़ पैकेज वगैरह सब कुछ करा के रखो। बाकी गाइस बहुत अच्छा सफ़र है, थोड़ा सा हिलती है बट इट्स नाइस, वही अच्छा एक्सपीरियंस है। और गाइस एक चीज़ और, अगर आप ट्रेन से सफ़र करना चाहें तो गाइस आप कालका टू शिमला सफ़र करने की कोशिश करना, क्योंकि स्नोफॉल में वो चीज़ आपको बहुत 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 प्यारी मिलेगी, तो वो चीज़ आप प्लीज़ मिस मत करना, एंड कीप सपोर्टिंग, हवा को ऐसे अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाते रहेंगे। और गाइस आप जैसे भी हमने बात करी स्नोफॉल की, मैं भी कर रहा था, तो स्नोफॉल आपकी हम आने वाले 1-2 महीने में स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल 1-2 महीने में स्टार्ट होने वाली है स्नोफॉल, तो उसका भी ब्लॉग हम बहुत जल्द लेके आएंगे। जैसे स्नोफॉल होगी आप लोगों के लिए बहुत जल्द ब्लॉग लेके आएंगे प्यारा सा, पूरे शिमला नहीं कह सकते बट सम प्लेसेस भी हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के लिए। और बाकी गाइस आप व्यूज़ का एंजॉयमेंट करो, व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे, बहुत ज़्यादा। सो
गाइस फाइनली एक स्टेशन पर स्टे लिया और हमने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, लिटरली बहुत भूख लग रही थी। और वैसे यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत है नहीं अभी खाने के लिए, बट हम चाय ले आए हैं तो अभी थोड़ा बहुत चाय लेते हैं। सवेरे इसलिए नहीं मिला होगा शायद के अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बाकी शायद डे में आप लोगों को मिल भी जाए कुछ खाने के लिए। वैसे मिल ही जाता है मेरे ख्याल से ना, आई थिंक सो। हाँ बट चलो कोई नहीं, नहीं मिला कोई दिक्कत की बात नहीं, बट हम फिर भी गाइस अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए एक दिन पहले ही रख लेना। हाँ स्नैक्स वगैरह जो आपको लगे कि जो ठीक रहे आपके लिए वो रख लेना। गाइज अभी सडनली ट्रेन रुक गई है, हमारे को पहले पता नहीं लगा क्या हुआ, बट अब पता लगा जब ट्रेन के टीसी उतर के आए क्या हुआ। यहाँ पे गाइज आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे आप देख सकते हैं ये वाली ये इमरजेंसी बेल है, आपने देखी गाइज इमरजेंसी बेल, अगर जैसे किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है ट्रेन के ट्रैवलिंग दौरान तो वो कर सकते हैं। और एकदम से गाइज सेफ्टी इतनी अच्छी है, जैसे ही किसी ने बजाई होगी क्या या गलती से बज गई होगी या मजाक में करी होगी, और ऑन द स्पॉट ट्रेन रुक गई है, मतलब सेफ्टी आप देख सकते हो कितनी अच्छी लेके पैसेंजर्स की लेके ध्यान में रख के इन्होंने ये चीज़ अच्छी रखी है। और गाइज बहुत अच्छा सिस्टम है, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी गलती से भी ना करो और इसको मजाक में भी मत करो, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको भी लगता है उन्होंने आगे हर चीज़ देखनी मैनेज करनी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो ठीक है। बाकी बहुत अच्छा मेरे को ये पहल वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगा, इसको इमरजेंसी हो जाए एकदम से कर दो, बाकी पूरे रेलवे पार्ट आ जाता है आपका डिपार्टमेंट देखने के लिए क्या है क्या नहीं है ठीक है। तो बाकी ध्यान रखिए इस चीज़ का और मिसयूज़ मत करो, बाकी चीज़ बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने। हमारा सफ़र अगर हमारे साथ के लोग अच्छे हो तो बहुत को टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता टाइम कैसे स्पेंड हो जाता है। ये भैया वगैरह हमारे को मिले क्या, हेलो हाय। तो गाइस ये भैया वगैरह बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सर भी है एक सर प्रोफेसर हैं। तो गाइस ये हमारे को मिले हैं और गाइस सफ़र इनके साथ इतना अच्छा निकल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। एक तो व्यूज़ बहुत प्यारे हैं गाइस, आपने देख लिया, एक तो व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा है और साथ में जो पैसेंजर्स हैं हमारे जो बैठे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइस यहाँ पे सिंगिंग कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं थोड़ी बहुत, ये बहुत अच्छी लगती है गाइस। ये सर ऐसा है, हेलो। ये जतिन भाई ब्लैक आ रहे हो बट। तो गाइज फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और हम गाइज उतर गए हैं ट्रेन से, और ये शिमला रेलवे स्टेशन है। और गाइज आप सब ने देख लिया है सिर्फ 30 रुपीज़ में पर पर्सन हम सोलन टू शिमला आ चुके हैं। और गाइज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने व्यूज़ देखे कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ है और हर चीज़ बहुत अच्छी है। और गाइज आप भी सफ़र करना, और आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं ठीक है। गाइज थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ठीक है।